हाय एवरीवन, मैं पूजा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन गर्ल पू। तो ये वीडियो जो होने वाला है मेघालय के गारो ट्राइब के ऊपर होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ गारो ट्राइब कैसे रहती थी और कहाँ रहती है। यहाँ पर पूरा लकड़ी उकड़ी है और अंदर में वो जो गोईठा होता है ना, काऊ डंग को सुखा के जो बनता है वो थोड़ा सा उस तरफ है। और ये यहाँ पर घर है इनका, अभी तो ताला वाला लगा हुआ है। ये देखिए ताला दिख रहा होगा, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे भी लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है और ये भी घर है इनका। घर कितना सुंदर होता है, मतलब नीचे से थोड़ा सा छोड़ के ऊपर में लकड़ी वगैरह से पूरा बना रहता है। मैं चल के आगे दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ बच्चा जा रहा है। क्या सही बालकनी एकदम। अब व्यू तो पूछो ही मत, व्यू देखिए यहाँ का। जो ये व्यू है ना वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अभी आपने जो वीडियो देखा वो भी गारो ट्राइब का ही घर था और ये दूसरे गारो ट्राइब का घर है। यहाँ पे मैं पूरा एक दिन स्टे की थी क्योंकि मुझे वारीचोरा जाना था, तो यहाँ से बस 3 किलोमीटर ही था। तो आपको वारीचोरा का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो चलो मैं आपको पहले गारो ट्राइब का घर दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, घर में आधे से ज़्यादा पूरा लकड़ी से पूरा सपोर्ट रहता है और इनका घर जो है नीचे से थोड़ा सा छोड़ कर उसके बाद ऊपर बनता है। पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं। और ये जो है ये इनका किचन है, किचन का सेपरेट था। तो यहाँ पे हम लोग ने, मैंने खाना खाया था तो बहुत अच्छे से, ये दोपहर का खाना था, बहुत अच्छे से सजा उजा के रखे थे। और ये सब लकड़ी पे ही खाना बनाते हैं, मैंने तो अभी तक गैस देखा ही नहीं, लकड़ी पे ही खाना बनाते हैं और बहुत अच्छे से सजा उजा के दिए थे हम लोग को। तो हम लोग को लंच टाइम में मिला था, सुबह दोपहर में चावल था, पापड़ था, आलू की सब्जी थी, फिर दाल था और उसके बाद वही प्याज और सैलेड में प्याज था और फिर मिर्चा था। तो आपको मैं किचन दिखा देती हूँ अंदर से। कुछ किचन ऐसे नॉर्मल जैसे किचन रहता है वैसे ही था, लेकिन मुझे ये स्कल दिखा तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे पता नहीं क्या चीज़ का स्कल है, लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर हो रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं पूछा। और ये आंटी को आप जो देख रहे हो ना, इनका 100+ एज और अभी भी इतने फिट दिख रही हैं। और ये जो आप चूल्हा के ऊपर देख रहे हो ना, ये पोर्क है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में आप आओ ना तो आपको बहुत पोर्क मिलेगा, आप खाते हो तो आप खा सकते हो। तो चलिए मैं, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा। तो आप एक रूम का यहाँ पे प्राइस जो है 1000 रुपीज है और सारा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। तो जब मैं वारीचोरा एक्सप्लोर करके आई तो मुझे कुछ ऐसा सीन देखने को मिला, मतलब यहाँ पे बाहर में ही खाना बन रहा था, ये दाल बन रहा था तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी। तो बहुत लोग आ रहे थे, बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, इसीलिए बाहर भी बन रहा था खाना और अंदर किचन में भी बन रहा था। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लोग चिकन खुद ही पालते हैं और फिर जब कोई गेस्ट वगैरह बोलते हैं तो चिकन यहाँ पे ना ये लोग यहीं से काट के ही बनाते हैं। अगर आपको पोर्क भी खाना है तो ये लोग वो भी बना देंगे, यहाँ पे ये रखा हुआ है तो आप पोर्क भी खा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना गारो ट्राइब में चिकन जो है अलग मतलब तरीका सा बनता है। तो ये लोग जो है ना पहले चिकन काट के इसे भूजते हैं, मतलब पूरा ऐसे ही भूज लेंगे, अंदर अभी नहीं काटते हैं, पहले इसे भूज कर उसके बाद इसे काट कर उसको धोते हैं। उसके बाद इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, प्याज डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, सोडा डालते हैं और नमक डालते हैं। तो वैसे ही इसे डाल के बनाते हैं और अच्छा लगता है खाने में, मैंने ट्राई किया था, मुझे तो अच्छा लगा। तो रात को मैंने कुछ ऐसा कैंडल लाइट डिनर कर लिया था, वहाँ पर लाइट चली गई थी तो इसीलिए लैंटेन जला था। उसके बाद फिर मोमबत्ती वगैरह से खाना खाया था और बहुत कुछ और बहुत अच्छा भी लग रहा था वैसे, और बहुत कुछ बना भी था। ये आलू का भुजिया बना था, ये सैलेड था, इसमें पत्ता गोभी फिर गाजर और प्याज वगैरह डाला हुआ था। और ये दाल, ये दाल बहुत ही टेस्टी था। ये दाल में क्या था ना, आलू था और कैरेट था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। अगर आप जाओ कभी तो ये मस्ट बोलिएगा बनाने के लिए, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद पापड़ था और ये जो चिकन आपने देखा वो था, तो इसमें मुझे एक पीस पसंद नहीं थी तो मैंने वो निकलवा दिया था। और उसके बाद फिर सैलेड था, सैलेड और उसके बाद राइस। तो ये सब मैंने खाया था, बहुत ही टेस्टी था। बाय।